हाउ टू बिकम रिच। अमीर हर कोई बनना चाहता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें ना कभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है, या फाइनेंशियल एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो कभी भी हमें प्रॉपरली नहीं दी जाती। और हमें ये समझ में नहीं आता है कि पैसे के बारे में क्या बात करनी चाहिए, क्या बात नहीं करनी चाहिए। पैसे के लिए ना नॉर्मली हम या तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, या हम उससे नफरत करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ की प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, पैसा है। ये नॉर्मली तब होता है जब हमने अपनी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत देखी होती हैं। हमें ये पता होता है कि पैसे के कमी के कारण हमने कितना कुछ फेस किया है। तो कहीं ना धीरे धीरे हमारे मन में आने लगता है कि सारी चीज़ों की प्रॉब्लम जो है ना, उसकी रीज़न ये पैसा ही है। अगर ये पैसा ना होता तो शायद आज ये सारी प्रॉब्लम्स आती भी नहीं। क्योंकि जब देखते हैं ना हम कि हर कोई पैसे के लिए कैसे कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं पैसे से नफरत होने लगती है। या फिर क्या होता है कि हम पैसे के पीछे भागने लगते हैं। हमें लगता है कि पैसा ही अगर सब कुछ है, मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं सिर्फ पैसा है। दोनों ही चीजें गलत है। पैसा सब कुछ नहीं है, मगर जीने के लिए और लगभग लगभग सारी चीजों को हासिल करने के लिए पैसा एक जरिया है, जिसका होना बहुत जरूरी है। जिसके बिना अगर मैं कहूँ तो जिंदगी की जो मेन पर्पस है वो पूरे होने कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाते हैं। तो पैसे के बारे में बात करना गलत नहीं है, पैसे के बारे में सही बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां पे हमें बहुत तरीके की नॉलेज दी जाती है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, बट रियलिटी में जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें जो होने वाली जरूरतों की जो चीजें हैं उनके बारे में फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे मिस आउट है। अब कुछ चीजें होती भी हैं, मतलब एक सिंपल सी बात करते हैं, हम बैंक के बारे में भी अपनी एकेडमिक्स में पढ़ते हैं। इनफैक्ट छोटे लेवल से अगर बात करें ना हम, मुझे तो लगता है शायद 5th 6th क्लास से ही हमारी इंटरेस्ट की भी बात होने लगती है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, कैसी चीजें। 11th 12th में आते हैं तो वहां पे कॉमर्स के अंदर हम बैंकिंग के वाउचर वगैरह सब चीजें पढ़ते हैं, मगर वो सिर्फ सिलेबस का पार्ट है। हम उसको कैसे पढ़ते हैं हमें पता है, प्रैक्टिकल उसके रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है हमें पता है। मतलब वो सिर्फ एग्जाम्स में पास होने के लिए हम पढ़ते हैं, उनका रियलिटी में कैसे यूज होगा वो शायद ही कोई टीचर हमें बताता है, और शायद ही हम उस पर कोशिश करते हैं अपनी तरफ से भी कि हम उसको समझ पाए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और एक बड़ी प्रॉब्लम और भी है, जो सिस्टम अर्निंग के आज से 10 साल पहले हुआ करते थे वो अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अगर आज कोई पहले 10 साल पहले वाले तरीके से अर्न करने के बारे में सोचे तो शायद ही वो उस लेवल से अर्न कर पाएगा जो नए मेथड से पॉसिबल है। मतलब डिजिटल ऑनलाइन ये सिस्टम इतने ज्यादा हो गए हैं डेवलप कि इनके जरिए अर्न करने का मेथड पूरा का पूरा बदल गया है। तो अगर आप किसी पुराने पर्सन से एडवाइस लेते हैं ना जो काफी एजिड है, उन्होंने हो सकता है अपने टाइम पे बहुत अर्न किया हो, वो आपको ऑफलाइन तरीके से अर्न करना काफी कुछ सिखा सकते हैं, मगर वो मेथड्स लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करने वाले। अब पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। और जब मैं ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है अमेजन पे गुड सेल करना है, फ्लिपकार्ट पे बेचना है, ऑनलाइन शॉपिंग वाला पार्ट। ना 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 ना, ऑनलाइन का मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। ऑनलाइन छोटी से छोटी चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी सर्विसेज। आज आप कोई भी सर्विस देखिए वो मार्केट में, आप उसका नाम लीजिए, वो ऑनलाइन अवेलेबल है। किसने सोचा था कि डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, उनकी कंसल्टेंसी ऑनलाइन ली जाएगी। अदरवाइज हम सोचते थे डॉक्टर जब तक छुएगा नहीं ना, पकड़ेगा नहीं, हमारी नर्व्स चेक नहीं करेगा तो कैसे बताएगा। नर्व्स चेक करना तो धीरे धीरे खत्म ही होता चला गया। हाँ, फिर भी वो हमें चेक करता था, ऑब्जर्व करता था, और अभी तो कॉल पे ही हम पूरी बात करने लग गए हैं। किसने इन चीजों के बारे में सोचा था। और एक नॉर्मल दूसरी बात समझिए, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में। अरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हमारी फैमिली में मदर सिस्टर सब यूज करते हैं, वो कैसे, मतलब इमेजिनेशन से बाहर कि वो ऑनलाइन सेल हो सकते हैं। मतलब वहां पे तो एक एक चीज को पूरा टेस्ट करके परचेजिंग होती है, वो भी आज के टाइम पे ऑनलाइन है। और ऑनलाइन में पता होता है कि लेट से आप लिपस्टिक की परचेज कर रहे हैं तो वहां पे शेड्स, अब दो स्क्रीन पे चेक करेंगे ना, कंप्यूटर पे कुछ और शेड दिख रही होगी, मोबाइल पे आपको कुछ और शेड दिखेगी, क्योंकि स्क्रीन का बहुत फर्क आता है, फिर भी शॉपिंग हो रही है। मतलब सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। एक टाइम ऐसा था कि हम ये कहते थे कि कमाना पैसा बहुत मुश्किल है, अब पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को बनाए रखना मुश्किल है। कि आप अर्न कर रहे हो तो उस चीज को, कॉम्पिटिशन को बीट करते रहो लॉन्ग टर्म तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। पहले पैसा कमाना मुश्किल था, एक बार स्टार्टिंग करना मुश्किल था, क्योंकि ऑप्शंस जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, बट एक बार आप एस्टेब्लिश हो गए तो ठीक है,
अभी सालों साल आपकी अर्निंग कहीं नहीं जाएगी, क्यों? चीजें चेंज ही नहीं होती थी। अभी तो हर 2 साल में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, 2 साल पहले आपने सोचा भी नहीं होता है। तो वो चीजें बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, और जो समय के साथ अपने आप को चेंज कर पाता है वो ही पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाता है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप अपने 20s में हैं, मतलब मैं बात करता हूँ अंडर 30 है या फिर अभी 30 अबव भी हैं, बट आप इन्वेस्टमेंट में अर्निंग में नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाँ कुछ नया सीखने को मिले, कुछ कैसे एक्सप्लोर करते हैं, तो उन चीजों में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो हो सकता है कि अगर आप फॉलो करें तो आपको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिले। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आप किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी प्रोफेशन से, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे की जानकारी होना। अब पैसे की जानकारी होने का मतलब ये नहीं है कि शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, मुझे ये ही पता होना चाहिए। नहीं, नहीं, वो पता है वेल एंड गुड, जितना लेवल तक पता है दैट्स ओके, नहीं पता है तो टोटली ओके, उसके पीछे भागने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अर्निंग के स्कोप कैसे एक्सप्लोर हो रहे हैं, कैसी चीजें चेंज हो रही हैं। लेट्स से आप टैक्सेशन का ही काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम व्यूवर्स वही हैं। सो अगर आप अकाउंटिंग या टैक्सेशन की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसा मैं आपको कोर्स के अंदर भी सिखाता हूँ, तो वहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं। ऑफलाइन के साथ साथ हमें ऑनलाइन भी ग्रो करना है। आप कितने ही छोटे स्टेट से हो या छोटे विलेज से हो, कहीं से भी हो, आप कोई भी ऐसी लोकेशन से हो, वहाँ पे कस्टमर्स हैं या नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लाइंट आपके पास आ सकते हैं। और एक चीज सोचिए, पहले क्या होता था कि आप एक सिटी में लिमिटेड रहते थे, एक छोटे से शहर में लिमिटेड है, तो वहां पे कितने क्लाइंट्स को कैटर कर पाएंगे, ज्यादा को नहीं ना, क्योंकि आसपास के जो नियर बाय एरिया के लोग होते हैं वही आपके पास आएंगे। और एक बार सोचो, उसमें भी नॉर्मली विद इन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के ही लोग आते हैं, या फिर अगर आपकी कोई शॉप या बिजनेस ज्यादा फेमस है तो थोड़े दूर से लोग आपके पास आ जाएंगे, ज्यादा दूर से नहीं आएंगे। तो मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटी ही कहीं ना कहीं बहुत कम है। और ऑनलाइन में सोचिए, मतलब ऑनलाइन में पूरा इंडिया, और इनफैक्ट आप उससे भी बाहर जाना चाहें तो पूरी दुनिया आपके क्लाइंट बन सकती है। मैं इंडिया की ही बात करता हूँ, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़, उसमें से कितने क्लाइंट्स आप कैटर कर सकते हो, मतलब लिमिटलेस है, सब आपके क्लाइंट बन सकते हैं। ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, इतनी ज़्यादा मार्केट को पहुँच पाना बहुत चैलेंजिंग होता है, बट लिमिट एंड डेट्स है, मतलब उसमें कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है कि हाँ मैक्सिमम आप इतने लोगों पे, आप जितने लोगों तक पहुंच सकना चाहो उतने लोगों तक पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर आप कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट अपना ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और उस पर आपको 500 का भी मार्जिन बन रहा है, 1 करोड़ अर्न करने के लिए पता है कितना अर्न करना पड़ेगा आपको, कितने क्लाइंट्स चाहिए, डिवाइड करिए 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 500, आई थिंक 20,000। सिर्फ 20,000 क्लाइंट्स आपने अगर कैटर कर लिए, 1 करोड़ रुपीज आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। और 20,000 क्लाइंट्स को कैटर करना क्या मुश्किल है 130 करोड़ की पॉपुलेशन में? नहीं है, ये पॉसिबल है ऑनलाइन के मेथड से। तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। मैं इनफैक्ट स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो मतलब अच्छी एजुकेशन, जो मैं अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात करता हूँ तो बहुत अच्छे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मगर सिंपली वो ऑनलाइन कोई परचेजिंग नहीं कर पाते हैं। वो ऐप, अगर कोर्स का ऐप है उसमें अगर 40 courses हैं तो वो लिस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते, उनको ये नहीं पता है कि हाँ कोई व्हाट्सएप और फेसबुक और एक दो इंस्टाग्राम वगैरह के अलावा उनको ऑनलाइन में कोई नॉलेज नहीं है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। ये चीज़ अगर आप इस लेवल पे पहुँच के भी ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो मतलब दिक्कत है। तो आपको सबसे पहले अपनी जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैं कहूँगा एजुकेशन है, उसको ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा आपको जरूरत है तो वो है टैक्सेशन की नॉलेज होना। जैसे ही फाइनेंशियल की नॉलेज होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही टैक्सेशन की नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसकी नॉलेज किस लेवल तक रखते हैं। अगर आप उसी में प्रोफेशन अपना क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज चाहिए। अगर आप प्रोफेशन नहीं भी बना रहे, आपका उससे कोई लेना देना ही नहीं है टैक्स से, बट आप अर्न कर रहे हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो चाहे आप बिजनेसमैन हो, डजंट मैटर, टैक्स तो गवर्नमेंट को देना है। पैसा कमाया और पैसा बचाया, ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल आपका प्रॉफिट कितना हो। मतलब अगर लेट से आप 10 लाख कमाते हो और आप उसमें से 2 लाख का टैक्स दे देते हो, तो मैं जस्ट एक रफ ऐसी फिगर बोल रहा हूँ, एक्चुअल में तो आपने 8 लाख कमाया ना। आप मेहनत ये तो करते रहे कि 10 लाख की सैलरी को 11 लाख तक कैसे बचाऊं, मगर उधर 2 लाख का टैक्स पे करे जा रहे,
इससे अच्छा अगर आसान तरीके से आपको थोड़ी सी नॉलेज होती तो शायद आप 2 लाख की जगह 1 लाख का टैक्स पे करते, 9 लाख तो वैसे ही बच गए थे। मतलब साल इतनी मेहनत ना करनी पड़ती 1 लाख एक्स्ट्रा कमाने के लिए, सिर्फ छोटी सी टैक्सेशन की नॉलेज से आप हो सकता था 1 लाख ऐसे ही सेव कर लेते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टैक्सेशन की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड नॉलेज की अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे, अगर हमें पता होना चाहिए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा है तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए होना चाहिए इन्वेस्टमेंट की हैबिट क्रिएट करना। इन्वेस्टमेंट की हैबिट क्रिएट करने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 2-3 ऑप्शन आपके पास है, स्टेप बाय स्टेप उस पर मूव आउट करिए। इसके लिए मैं डेडिकेटेड काफी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। पहला स्टेप होता है कि आप अपनी जो हैबिट है उसको एक रिकरिंग डिपॉजिट करने की कोशिश करिए। मतलब अगर आप अर्न कर रहे हैं, आपके पास पॉकेट मनी आती है या आपकी कोई इनकम होती है तो उसमें हर महीने छोटी अमाउंट डिपॉजिट करने की कोशिश करिए। SIP में आप जा सकते हैं, बट SIP के बारे में अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उससे कुछ छोड़िए, बैंक में जाइए, बैंक में पूछिए कि मुझे RD करानी है, रिकरिंग डिपॉजिट कराना है। वहां पे आप छोटी सी अमाउंट जितना भी आप सेव कर सकते हैं, 500,000 रुपीज जो भी, उतने की RD ओपन करिए और कोशिश करिए मंथली बेसिस पे, ताकि हर महीने आप कुछ अमाउंट सेव करके वहां पे इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट आज हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगते, आज लगता है कि क्या 500 रुपये क्या इन्वेस्ट करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप सोचिए ना, मैं इंटरेस्ट भी हटा देता हूँ तो साल भर में आपने वहां पे 6,000 रुपये जमा कर दिए। 10 साल बाद सोचिए और उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट सोचिए, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है तो उसका फायदा आप सोचिए। तो छोटी छोटी अमाउंट से हैबिट बनेगी, तो जब आप धीरे धीरे अर्न करने लगेंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट समझ में आएगी कि अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है उनको कंट्रोल करके मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही फर्दर इनकम जनरेट हो रही है। तो जैसे जैसे आप अपना मेन इनकम बढ़ाएंगे ना, साइड बाय साइड आपकी ये सेकेंडरी इनकम भी ग्रो करनी लग जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो सब हमारे पास, मतलब मैंने फर्स्ट आपको क्या बताया कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि चीजें कैसे मूव करती हैं, उनके पैसों के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, आपको टैक्सेशन की नॉलेज होना जरूरी है। और थर्ड, आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट क्रिएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो हैबिट नहीं होगी तो दिक्कत है। और फोर्थ, मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज को कि अगर आप अभी अंडर 30 हैं तो अपनी हैबिट क्रिएट करिए कि लर्न करने पर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अपना पूरा टाइम, मतलब पूरा टाइम इन द सेंस जो पूरी एनर्जी है, लर्निंग के ऊपर लगाइए, लाइफ को एंजॉय करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह से रात तक पढ़ना है, नहीं, पढ़ाई भी करनी, वो हमें एंजॉय भी करना है, सारे काम करने, बट जो खर्चे कर रहे थे ना एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, उसमें से कहीं पॉकेट मनी सेव करके या जैसे भी आपको सेविंग करके अपने ऊपर हर अपना टारगेट रखिए कि मुझे रोज कुछ ना कुछ एक नई चीज सीखनी है, मुझे कोई एक नया कोर्स ज्वाइन करना है, मुझे कोई नई स्किल सीखनी है। तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करिए, वो जो रिटर्न आपको मिलेगी ना, दुनिया की कोई भी और चीज़ वो आपको वो उतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती है। आपने कोई एक छोटी सी स्किल सीख ली ना, हो सकता है उसके लिए आपने 500,000, 5,000, उस स्किल से आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है ना कि कोई और फर्दर टिप्स है जो बाकी सबके साथ आप शेयर करना चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना, हो सकता है आपकी टिप बाकी सबको भी अच्छी लगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँ। बाय बाय।